फ्रेंड्स, एक सैमसंग M307 एक हैंडसेट हमारे पास आया है जो कि अभी एक डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम इसमें डीसी से कनेक्ट करेंगे और डीसी से कनेक्ट करके चेक करते हैं कि डीसी में कितना रीडिंग ले रहा है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहां पर डीसी से कनेक्ट कर लेता हूं। तो डीसी से कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही डीसी से कनेक्ट करते हैं तो ऑटो रीडिंग ले रहा है 72 की। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं और निकाल करके चेक करेंगे पीसीबी को बाहर निकालने में। तो पीसीबी को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर चलिए मल्टीमीटर से सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस हैंडसेट में ज़्यादातर हमने देखा है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इसमें जो 4GPA होता है उसके आसपास शॉटिंग मिलती है ज़्यादातर ये M30 हैंडसेट में। तो यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे सारे जितने भी हमारे वोल्टेज की लाइनें होती है, कैपेसिटर्स की लाइन्स होती है, जिसमें यहाँ पे वोल्टेजेस आते हैं जो कि हमारी सेकेंडरी वोल्टेजेस होते हैं काफ़ी सारे, आपके पावर एसी से भी यहाँ पर वोल्टेजेस आते हैं जिसको हम LDO सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सारा कुछ मल्टीमीटर से आपको चेक कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे पतरा हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, और हैंडसेट में ज़्यादा काम किया हुआ नहीं है इसीलिए हैंडसेट बहुत ईजिली रिपेयर हो जाएगा। अगर ये मार्केट में 1 से 4 टेक्नीशियंस के पास जाता और प्रॉपर नॉलेज ना होती तो वो CPU वगैरह पे हीट कर देते हैं, इसमें पेस्टेड CPU होने के कारण, डुअल लेकर होने के कारण ये सेट डेड हो जाता है। तो ये हैंडसेट डायरेक्टली हमारे पास आया है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही कम समय में अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो बहुत ही ईजिली आप हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हमको बहुत सारे कैपेसिटर्स जो है, काफ़ी सारे कैप हमको शॉर्ट मिले हैं। तो यहाँ पे जनरली इसमें PA शॉर्ट हो जाता है इस हैंडसेट में। तो यहाँ पे हम आपको प्रॉपरली एक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। अगर आप डायरेक्टली IC निकाल करके देखना चाहते हो तो निकाल कर भी देख सकते हो, बट आपको कंफर्म करना होता है कि कौन सा PA शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम जो हमारे DC से यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और वोल्टेज इंजेक्ट करके हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमने 2 वोल्ट इंजेक्ट किया है जैसे कि आप देख सकते हैं कैपेसिटर पे हमने, और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं जैसे मैं ग्राउंड टच करता हूँ, वोल्टेज की लाइन मैंने पहले ही यहाँ पे PA हीट हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा नज़दीक से आपको बता देता हूँ, तो ये देख सकते हैं इसका ये 4GPA जो है ये यहाँ पे हीट हो रहा है। तो चलिए इसको सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं और निकाल करके एक दूसरा PA इसमें लगाते हैं और लगा करके चेक करते हैं। देखना है आपको पीछे CPU वगैरह तो नहीं है, ताकि आपको कितनी हीट में निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा एयर और हीट कम रखें ताकि बैक साइड में हीट ना जाए, क्योंकि पेस्टेड CPU और RAM और UFS होने के कारण सेट आपका डेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने फ्लक्स डाल लिया है और यहाँ पर 330 से 340 के बीच में हीट रखेंगे, 850 DW प्लस, और एयर रखेंगे 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ पर PA को रिमूव कर लेते हैं, और ध्यान रखना है आपको आसपास में कोई भी कंपोनेंट जो है यहाँ से मिसप्लेस या फिर डैमेज नहीं होनी चाहिए। चलिए PA को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और एक दूसरा PA अब हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो थोड़ा क्लीन भी कर लेंगे इसको। और दूसरा PA लगाने के बाद हम हैंडसेट को चेक करेंगे कि हमारा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं एक और PA हमने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि ये IC लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके नेटवर्क के इश्यू आ जाएंगे, फिर हैंडसेट आपका ऑन नहीं होगा। तो चलिए इसको लगा लेते हैं और उसके बाद हम हैंडसेट को ऑन करके चेक करेंगे, डिस्प्ले पे फिट कर लेंगे। तो चलिए डिस्प्ले में इसको फोल्डर में फिट कर लेते हैं।
और उसके बाद ऑन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक बार ऑन कर लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। तो ये आप चार्जर लगा के देख सकते हैं बैटरी वगैरह चार्ज है या नहीं है, अदरवाइज किसी से भी ऑन कर सकते हैं आप। देख सकते हैं फ्रेंड्स चार्जर मैंने लगाया है और चार्जिंग का लोगो आ चुका है। ये देख सकते हैं हमारा हैंडसेट जो है ऑन हो चुका है। तो एक बार ऑन कर लेंगे, 46% यहाँ पे आ चुका है, तो एक बार ऑन कर लेते हैं। हाँ तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स सैमसंग गैलेक्सी A30 यहाँ पे आ चुका है और बहुत इजीली हमने जो लो लीकेज था हमारे बैटरी कनेक्टर पे आ रहा था, जो कि सेकेंडरी में शॉर्टिंग होने के कारण वीबैट में यहाँ पे शॉर्टिंग शो कर रहा था, जो कि बहुत ही लीकेज शॉर्टिंग थी आपने जैसे कि देखा। तो यहाँ पे हैंडसेट हमारा ऑन होते हुए और जैसे ये पूरा ऑन हो जाता है, अभी ऑन हो जाएगा। दोस्तों आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज होगी तो बहुत अच्छी तरीके से आप हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल वे में अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। नेक्स्ट बैच हमारा 27 फरवरी से है, जिसकी बुकिंग चल रही है हैदराबाद में मेट्रो सिटी में। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ पर आते हैं, देश भर से। रहने खाने की हॉस्टल की फैसिलिटी आपको पास में ही मिल जाती है और सारा कुछ यहाँ पे आपको सीखने मिल जाएगा। दोस्तों मार्केट में बाईपास का सीजन चल रहा है, तो आप शॉर्टकट मेथड मत देखिए, अपना बेस अच्छे से बनाइए, बेसिक नॉलेज अच्छे से लीजिए, हैंड स्किल का काम सीखिए, डुअल डेकर ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड करिए, क्योंकि आजकल सारे पेस्टेड आईसीओ के काम आपको करना पड़ सकता है मार्केट में जो आ रहा है। डुअल पावर, ट्रिपल पावर, डबल चार्जिंग एसी, ये आपको सीखनी है। ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। देख सकते हैं फ्रेंड्स हैंडसेट पूरी तरीके से ऑन हो चुका है, कस्टमर का डाटा के साथ ये रिकवर हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और इस वीडियो को जरूर दूसरे टेक्नीशियन तक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।